जहाँ आप नजफ जाते हैं, वादियो सलाम में भी देखें तो कब्रें कमरों के अंदर है, यानी एक फैमिली है तो उसके एक कमरा सा है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ दफन होती है। इस तरह वो बनाते थे पुराने ज़माना, तो वो इसी तरह एक जगह में एक कमरे में वो रात को चले गए इबादत करने। वैसे में देखा कि कोई जनाजा आया है, उसको रख के चले गए कि सुबह दफनाएंगे, रख के चले गए। तो साथ में एक कारी को भी बिठा दिया कि सारी रात बैठ के कुरान की तिलावत करता रहे। थोड़ी देर में इन्होंने इनको ज़ाहिर बरज़खी निगाह जब इनकी खुली तो इन्होंने देखा कि दो मलाइका आए हैं और आग के गुर्ज हाथ में हैं और उस शख्स को मार रहे हैं। वो जो कारी है उसे नहीं पता चल रहा, वो तो कुरान पढ़े जा रहा है। इन्होंने इनसे वो एक लम्हा, वो जो चीख थी, वो आग थी, इतनी इनके वजूद पर असर की कि इनका अपना वजूद जो है वो जिसे कह रहे हैं पैरालाइज हो गया। कहते मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकाला कसीद कसीद के और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरे शागिर्द आए तो उठा के ले गए और हॉस्पिटलाइज हो गए। फिर वहाँ वो उस्ताद आए मिलने कि तुमसे एक लम्हा बरज़ख का बर्दाश्त नहीं तो कायामत कैसे बर्दाश्त। हम हमारे लिए इस हम समझ नहीं रहे ना क्योंकि हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही है, मगर कुरान बार बार कह रहा है, आयात रिवायात बार बार कह रही है कि मुतवज्जा हो जाओ, तफक्कुर करो, फिक्र करो। लेकिन क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में इतने पैक हैं, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बिजी हैं कि हमें मतलब चीज़ें सामी समझ में नहीं आती कि हम इन पर अमल करें नहीं करें। या अक्सर बात हमारे यहाँ होते हैं, कर लेंगे फिर कर लेंगे, अभी तरह काम हो जाए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई ज्यारत पे चले जाएं, थोड़ा इंसान कुछ कर ले। और आपको पता है कि ज्यारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है दुरूद भेजे मोहम्मद ज्यारत इमाम हुसैन उन ज्यारतों में से है कि जो रवायात हैं कि चंद साल में इंसान के ऊपर वाजिब हो जाती जाना, हत्ता आप अपना सोना बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, ज्यारत में जाएं एक दफा, क्यों यही बचाने वाली और कुछ नहीं बचाने वाला। लेकिन ये हम बाजों का हम अपने दोस्त अहबाब करीबी रिश्तेदार को समझाते हैं कि भाई मतलब अलबत्ता ये भी बात दूसरी। अच्छा दूसरे हमारे पास एक और बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, भाई मौला बुलाएंगे तो जाएंगे। आप कोशिश कर ही नहीं रहे तो मौला कहाँ से बुलाएंगे। आप कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें, सिद्ध के दिल से इरादा तो करें, नीयत तो करें। वो गांव देहात से पाकिस्तान के और हिंदुस्तान से वो सर पे पगड़ी बांधा हुआ धोती पहना हुआ ज़ियारत पे आ जाता है, जो सारा साल अपनी फसल की कटाई के पैसे जमा करता है, कहता है मैंने मौला की ज़ियारत करनी है, वो आ सकता है, हम नहीं जा पाते। क्यों? क्यों असल में हमारे अपने अंदर से आवाज़ ही नहीं निकलती कि मैंने जाना है ज़ियारत पे। चले जाएंगे अभी ये काम सही हो जाए, अभी ये बिजनेस सेट हो जाए। कितने लोग हो गए, कई साल हो गए, कई साल हो गए। ऐसे नहीं कि फलाना रास्ता गलत गुनाहगार है, मत नाउज बिल्ला को गलत नहीं, ऐसा नहीं, नॉर्मल इंसान है। लेकिन मुतवज्जा नहीं है कि कौन सी चीज़ आखरत में काम आएगी, कौन सी चीज़ कब्र में काम आएगी। लेकिन हमारे पास वो हम ध्यान नहीं दे, एक्सक्यूज है हमारे पास। कुरान तला कर ले मान साहब, कभी कर लेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अजीब है ये जिंदगी, अजीब सदावार है कि जिंदगी के इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाए और इंसान कुरान याद ना करे, कुरान की तालीम हासिल ना करे। तो जैसे बोले मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, एक छोटी आयत तो रोज बंदा याद कर सकता है, कुछ तो कर सकता है। एक आयत अगर आप रोज पढ़ें तो अगर सिर्फ पढ़े भी सही और उसको तर्जुमा पढ़ लें, एक आयत पढ़े उसका तर्जुमा पढ़े, थोड़ी देर सोच लें 365 दिन कितनी आयतें होगी, 365 दिन कितना आप तफक्कुर कर लेंगे, कितना कितना आपके अंदर फर्क आएगा। मगर वो हमारे पास तो वो भी टाइम नहीं है, हमारे पास ना दुनिया है। ये तो हम बोले हमारे पास दुनिया के स्काई स्क्रैपर्स खड़े हुए, हमारे तो जो है वो बाहर चेक प्लेन अलग से खड़े ना, हमारे पास दुनिया है ना, हमारे पास दीन, असल तो दीन ही है। जिसके पास दीन होता है दुनिया में उसी के पास सही गाली आ जाती है, बाकी दुनिया तो वापस पलटा दी जाएगी, जो भी है रुई के कालों की तरह सब उड़ जाए, किसी को पता नहीं चले। लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा सा दीन है इसे तो लेने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें। मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना रास्ता आप लोग अच्छे लोग नहीं, या
मजहबी लोग नहीं है, यकीनन बहुत अच्छे हैं, माह रमजान की वाजिबात अदा कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इंफाक भी करते होंगे, जकात फितरा तुम सब देते होंगे, लेकिन हम अपने आप को अपग्रेड करें थोड़ा सा और बेहतर होंगे। खुदा तो ये नहीं कह रहा कि रुक जाओ बच जो है तो, नहीं, इंसान तो कोई भी कामिल नहीं है, इंसान जब तक जिंदा है कमाल की तरफ उसकी परवाज होनी चाहिए और हर तरफ बढ़ते रहना चाहिए। हम बढ़े कुरान को, जहां इस महीने के अंदर कुरान की बाहर का महीना है, इमाम रजा अलैहिस्सलाम से रिवायत, इमाम से इमाम 3 दिन में कुरान खत्म किया करते थे, और इमाम कहते हैं कि मैं चाहूं तो इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ, ये नहीं कह रहे वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन आम रिवायत है 1 दिन में 10 पारे पढ़ा करते थे। बाज़ हम उलमा की सीरत में भी देखते हैं कि वो भी आइमा की सीरत पे अमल करते हुए, आइमा के नक्शो कदम पर चलते हुए वो भी 3 दिन में कुरान खत्म किया करते थे। अब ठीक है मैं अपनी ज़र्फ़ियत देखूं, मैं, लेकिन हमारा क्या होता है कि हम पहले ही हमारे अंदर से एक आवाज़ आ जाती है, मैं तो नहीं कर सकता, ये कैसे होगा, यानी खुद ब खुद अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूँ नसीब, यानी अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मसला है जाने मोहतरम, ये सिर्फ इस्लामी या दीनी मामलात में नहीं, दुनियावी मामलात में भी है, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई एजुकेशन, कोई स्टडी, कोई स्ट्रेटजीज बनानी हो, नहीं हम तो नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। आप दुनियावी लोगों की भी मिसाल ले लेना, जिनका शायद को मजहब से हमें नहीं पता भरा, लेकिन जाहिर तौर पर आप बोले दुनियावी लोग हैं, लेकिन आप उनकी जिंदगी में देखें ना, तो उन्होंने की जिंदगी में कामयाबी इसलिए आई है कि उन्होंने अपनी जिंदगी किसी काम को ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता, हो सकता है, उनका कोशिश की है। बड़े बड़े आप जो दुनिया में कामयाब लोग हैं, जाहिरन अगर कोई प्लेयर है या हो सकता है कोई जो है वो किसी बिजनेसमैन है, कोई भी है दुनियावी तौर पर भी आप उसको देखें, तो उसने यही कहा है कि मैंने जिंदगी के चैलेंजेस को कबूल किया और मैंने कहा कि हो सकता है, किया। कितने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, ये अली बाबा जो इतनी बड़ी वेबसाइट है, जो पर डे पता नहीं $1 billion इधर से उधर कर लेता है, वो जैक मा, वो कह रहा है कई अरसे तक कुछ भी नहीं हुआ, कितनी नौकरियां अप्लाई की कुछ भी नहीं हुआ, हद तक KFC की भी नौकरी नहीं मिली, इसकी भी नहीं मिली, उसकी भी नहीं मिली, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। आज आप देखें, आज लेक्चर देता है वो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर उसके सामने बैठे हुए हैं, और वो बैठा हुआ जो है वो उनको स्ट्रेटजीज बता रहा है, क्यों भारत ने मेहनत की है, नाकामी को नहीं बोला, उसी का फॉर्मूला उसने, पिछले दिन मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, उसने कहा और जवानों के लिए बहुत देखिए अच्छी चीज तो मांगे कहते हैं कहीं से मैंने ले लेनी चाहिए आपको, वो कहता है कि जो पढ़ना है 20-24 साल तक पढ़ो जो भी प्रोफेशन है, उसके बाद उसी फील्ड में जॉब करो 30 साल तक, लेकिन किसी बड़ी कंपनी में कहता है जॉब मत करो, क्यों, बड़ी कंपनी तुम्हें सीखने कुछ नहीं देगी, वो खुद पहुंची भी है तुम्हें यूज करेगी, छोटी कंपनी में नौकरी करो, बॉस तुम्हारा अच्छा होगा कि तुम कुछ सीखो, कह रहा 30 से 40 के दरमियान में खुद अपना काम शुरू करो, 40 से 50 साल तक कोई नया तजुर्बा मत करो, इट्स टू लेट वो कहता है, और 50 के बाद अपने काम को आने वाली नस्ल को दे दो, वो तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। कितना बेहतरीन फॉर्मूला अगर इंसान इस पर भी अमल करे, हम तो अगर कुछ आता है हम कहते हैं नहीं हम तो किसी को नहीं देंगे, भाई मर जाएंगे किसी को कुछ नहीं देना, मौलवी तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं देता, किसी इदारे का सरबरा बन जाए, किसी मां बाप का ट्रस्टी हो जाए, वो कहता नहीं भाई जाएगी तो मेरा बच्चा मौलवी बने उसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, खौफ है हम लोगों को, खौफ है, यही तो है कि हम सीख नहीं रहे, हम दुनियावी मामलों में भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो जो स्पेस पे रोड स्टार भेज रहे हैं बैठे हुए, मतलब वो आसमानी मखलूकात है, या बैठे हुए जो बेहतरीन कोई गाड़ी डिजाइन कर रहा है वो कोई आसमानी मखलूकात है, जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो इंसान है, जाने होता है, बस कंसंट्रेट किया है अपने प्रोफेशन के ऊपर, अल्लाह ने सलाहियत हर इंसान को दी हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझे कम दिया है आपको, नहीं हमें सबको दिया है, यकीनन हमारा ब्रॉटअप, हमारा माहौल हमारी उस सलाहियत को उजागर कर देता है, बिल्ट इन इंसान के अंदर अल्लाह ने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, हमें उस सॉफ्टवेयर को बस एग्जीक्यूट करना होता है जब हम दुनिया में आते हैं। किसी भी चीज का बुजुर्ग के साथ बैठे थे, वो कह रहे थे और बात भी सही थी, वो ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं इजादात, इजादात कुछ नहीं है, और हकीकत भी ये सब दरियाफ्त हैं,
ایجاد نہیں کی کسی نے, چیزیں موجود تھیں. ہوا کے اندر ڈفرینٹ فریکوینسیاں موجود ہیں. انسان آیا, اس نے دریافت کیا کہ ریڈیو اس فریکوینسی پر جائے گا, موبائل کی کنسنٹ جی ایس ایم اس پر جائے گا, جو پہلے اس سے پہلے موبائل ہوتے تھے وہ اس فریکوینسی پر جائیں گے. ایک ہی تار آپ کے گھر میں آ رہی ہے, ایک ہی تار, اسی تار کے اندر آپ کا ٹیلی فون بھی ہے, اسی تار پہ آپ کا انٹرنیٹ بھی ہے, اسی تار پہ آپ کا ٹی وی بھی. کہاں سے ڈیٹا کس طرح فلوٹ کر رہا ہے؟ کہیں اور مخلوق سے لے کر آیا ہے؟ نہیں, اسی دنیا میں وہ مٹیریل موجود تھا, اسی دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں. انسان نے اس کو برائے کار لے کر آیا, ذہن سے چیزوں کو اتارا اور اس کو اپ گریڈ کر دیا. انسان یہی ساری چیزیں پہلے بھی تھیں, مگر ہم نے آج اس کو دریافت کی, اور آج انسان لگا ہوا ہے ان آوازوں کو دریافت کرنے میں کہ جو تاریخ میں موجود ہیں. آوازیں موجود ہیں, میں جو کہہ رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہوگی, یہ ابھی آپ کے کان میں آئی, آپ کے کان تک آئی, تھوڑی دیر میں آپ کے لیے غائب ہو گئی, مگر فضا میں موجود ہے. تاریخ میں اب انسان کچھ کر رہا ہے, پرانی آوازیں آ جائیں, اور ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ جلد سے جلد غدیر خون کی آواز موجود آ جائے, کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ من کن تو مولا فحاز علی مولا. صلوات لیتے محمد نعرہ دوبارہ لگا دے تاکہ نعرہ صحیح طرح نعرے جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی چیزیں ہیں جو اوپر اوپر لے کے جاتی ہیں, باقی تو سب یہی رہ جاتا ہے. انہی کے صدقے میں سب چل رہا ہے, اور ہمارا کچھ بھی نہیں, یہی نام آگے پیچھے لگتے ہیں. خدا ساری زندگی توفیق دے کہ یہی دیکھیں, یہی صدائیں اصل ہیں, یہی وجود کی صدائیں دنیا ڈھونڈ رہی ہے, اور کل آئیں گی, دن دور نہیں ہے. ظاہر انسان ہلکے ہلکے تیار ہوتا ہے, ظرفیت انسانی بھی ہے, لیکن میں بہت کچھ کر سکتا ہوں عزیزان محترم. یہ خواب و خیال نہیں ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا آج جہاں پہنچی ہے, 60s 70s میں انسان نے تخیلات میں اپنے نکال لیا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. میں بھی جب پاکستان میں یوفو لانچ ہوا تو وہاں پہ اس کے سٹارٹ میں تھا, تو وہ میں شروع سے بتایا ایسی ڈیوائسز بن رہی ہیں, ایسے ہوگا. اس ٹائم کوئی تصور نہیں تھا اس طرح کے موبائل کا, اصل کوئی پروڈکٹ ہی نہیں اس وقت, بٹ انہوں نے ریسرچ کو پیش کیا تھا ایسا ہوگا. آج وہ آپ کے سامنے, آج سب آپ کے سامنے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا تدبر اور تفکر کریں. اور اسلام ہمیں یہ روم دیتا ہے کہ تمہارا تدبر اور تفکر بہت زیادہ اسٹریٹجیکل اور ہدف مند ہو سکتا ہے اگر اسلام کے راستے سے سوچو. قرآن کے اوپر تدبر کرے, فکر کرے, ایک آیت پڑھے, تفکر کرے, فکر کرے. صدر اسلام کے اندر ایک صحابی ہے ابو بتہ انصاری یا طلحہ انصاری, وہ کہہ رہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ایک آیت پر آیا, آیت پر آیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ اس سے بڑی کوئی بھی نیکی نہیں ہے کہ اس چیز کو انفاق کرو جس سے تم محبت کرتے ہو, جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہے. کہہ رہا میں سوچنے لگ گیا کہ یعنی اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا تو میرے پاس بہت بڑا باغ ہے, اس کا باغ بہت زبان زد تھا اس زمانے میں, مدینہ میں مشہور تھا کہ اس کا باغ میں اتنے درخت ہیں, اتنے پھل ہیں, اتنا پانی فراوان ہے. تو یہ سوچنے لگ گیا مما تحبون کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں. گیا رسول خدا کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ یہ جو تحبون ہے سب سے زیادہ محبت ہے, تو مجھے اپنے باغ سے بہت زیادہ محبت ہے, اس کو میں خدا کی بارگاہ میں خدا کی راہ میں دیتا ہوں. تو رسول خدا نے کہا کہ یہ بہت بہترین سودا ہے تمہارا, بہت بہترین, لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے خاندان اور اقربا میں تقسیم کرو. ہمارے لیے بھی یہی ہے, اول تو ہم دیکھیں تو صحیح ہمیں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے, دوسرا ہم پہلے اس کو انفاق کہاں کر رہے ہیں, کدھر کر رہے ہیں, کس راستے پر کر رہے ہیں. اپنے اطراف میں دیکھیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے قریبی لوگوں اقربا میں دیکھیں, پہلے ان کو کریں. حدیث میں بعض اوقات آیا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں بھی اس میں دے دیں, فی سبیل اللہ دے دیں, یا
جبکہ آپ کے فیملی میں شاید کسی کو زیادہ ضرورت مند ہے, آپ اس کے بجائے آپ کہتے ہیں نہیں ادھر ڈالتے. ہر چیز کا روایات نے لیول بیان کیا ہوا ہے جزان محترم. سب سے پہلے روایات کی نظر میں آپ کے لیے آپ کی اپنی اہل و عیال, آپ کے اپنے بچے, آپ کی اپنی فیملی ہے, ان کو سروائیو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں اور آپ بولے میں ادھر دے رہا ہوں میں ادھر کر رہا ہوں. پہلی ذمہ داری آپ کی وہ ہے. پھر آپ کے والدین ہیں. بعض اوقات ہم اب اس کا مطلب قطن نہیں کہ والدین کا احترام نہیں ہے یا بالکل آپ ان کو کرتے نہیں. پہلا میری اولاد ہے, میرا وہ ہے کہ میں پھر میرا سپین تھوڑا دائرہ بڑا ہوتا ہے, میرے والدین ہیں, میں والدین کو کروں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنے زوجہ کو جو ہے وہ شکنجے میں مشکلات میں رکھ کر اپنے اطراف میں زیادہ کر رہے ہیں. غلط ہے. بیلنس بہت ضروری ہے عزیزان محترم. ماں باپ کو بھی دینا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو دینا, ان کی خدمت کرنا, ان کا احترام کرنا, حتیٰ ان کے لیے دعا کرنا آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے, حدیث کہتی ہے. اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے ان کی زندگی کے لیے ان کی توفیق, تو کہیں اگر آپ کے رزق میں مشکل ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دعاؤں میں آپ کے والدین ہیں یا نہیں ہیں. مجھے تو ویسی فرصت ہی نہیں ملتی, میں تو اپنے لیے دعا پوری نہیں ہوتی, میں دوسروں کے لیے کیا دعا کروں. پھر والدین کے بعد آپ کے رشتہ دار ہیں, پھر اس کے بعد فقراء, مسکین, اور پھر ہلکے, پھر آخر میں فی سبیل اللہ ہے, یعنی اللہ کے راستے پر ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم انفاق کر کہاں ہیں. ماہ رمضان انفاق کا مہینہ ہے, افطار کا مہینہ ہے. اچھا, ہماری افطاری بھی اپنے لوگوں کو ہوتی ہے نا, اپنے لوگوں کو جو پیٹ بھرے ہیں انہیں کو کرا, بھائی کسی ایسے کو کرا لیں گے جس کے افطار سے بھی ثواب, ثواب تو ان کو بھی ملے گا, لیکن جو ہے کہ آپ اولویت آپ کی اس جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں شاید نہیں پہنچ رہا کچھ, شاید کچھ. کیوں اسلام خود احکام روزے کے اندر آپ کا جو روزے کا فدیہ ہے بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے یا کچھ ہے, کیوں کہا کہ تین مد یعنی 750 گرام جو ہے وہ آپ آٹا یا گندم یا جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں کیوں ہے, تاکہ یہ ڈرائیو کرے. پیسہ دینا وہ کہتے ہیں پورا نہیں کرتا اس بات کو جب تک آپ اس چیز کو اصل تک نہ پہنچائیں. کیوں؟ تاکہ بھوکھوں کے پیٹ بھرے. شکم بہت ضروری ہے. ہم آگے بڑی بڑی باتیں اسلام کی دلیلیں اور یہ احکام, ہمارے مولانا یہاں پہ بھی آئے, آغا داؤدانی صاحب یہاں پہ بھی آئے یقیناً, وہ بیان کر رہے تھے کہ کینیا گئے وہ یا نیروبی, تو وہاں انہوں نے ایک بلیک جو سیاہ پوش تھا وہ مسلمان تھا, تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہاں اور مذاہب بھی تبلیغ کر رہے ہیں, ہم بھی تبلیغ کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے مذہب کی تبلیغ کو کس ریٹنگ میں لاتے ہیں, یا مطلب آپ کے نزدیک کون سا مذہب بہت اچھا ہے تبلیغ میں؟ تو اس نے کہا کرسچینٹی, مسیح جو ہے وہ ان کو میں 100 نمبر دوں گا تبلیغ کے. کہا کیوں؟ کہا آپ لوگ آتے ہیں دلیلیں محکم یہ وہ اس کی باتیں کرتے ہیں, اللہ یوں ہے یہ یہ, اور وہ کیسے آتے ہیں؟ وہ پہلے آ کے دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ہاسپٹل کی ضرورت ہے, وہ پہلے آ کے ہاسپٹل کھولتے ہیں. اگر ہاسپٹل نہیں کھول سکتے تو ایک کلینک کھولتے ہیں, پہلے ان کی بیماریوں کا علاج کر, پھر ایک کمیونٹی سینٹر کھولتے ہیں, اس میں اسکول کھولتے ہیں تاکہ ان کے بچے کہیں تعلیم حاصل کر سکیں. کہہ رہا تیسرے مرحلے پر انہیں اپنے مذہب کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود مسیح ہو جاتے ہیں. کہتا آپ پہلے آ کے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں. اسلام بار بار کیوں فقرا فقرا کھانا کھلاؤ, اور آئمہ کی زندگی میں آپ جا کر دیکھیں کتنے امام رات کی تاریکی میں فقرا کو کھانا کھلا رہے ہیں. اب جملے مصائب کے ہیں, لیکن بہرحال پانچویں امام جب اپنے والد محترم امام سجاد کو جب غسل دے رہے تھے, تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کے کمر پر کچھ نشان ہے. کہہ رہے اس وقت تو میں نہیں پوچھا, میں نے بعد میں پوچھا کہ مولا یہ آپ کے والد کے کمر پر نشان کیسے تھے؟ کہا بابا رات کی تاریکی میں بوری میں کھانا بند کر کر فقراء میں تقسیم کیا کرتے. یہ امام ہے, سید الساجدین ہے, زین العابدین ہے, امام ہے, مگر جا کر فقراء میں کھانا تقسیم کرتے. یہ چیز ہماری زندگی میں کہاں, آپ بولیں گے یہاں فقرا نہیں ہے, وہ فقرا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کم انکم والے لوگ ہوں, ایسے لوگ ہوں کہ شاید جن کے لیے سیونگ کرنا مشکل ہو. کتنے لوگوں کی میرے پاس لسٹ ہے کہ میں چلیں افطاری ان تک پہنچا دوں, سحری کا کچھ پہنچا دوں, یہاں نہیں تو پاکستان میں ہندوستان میں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں گا, اطراف میں, محلے میں, مسجد میں, جتنی اور آرگنائزیشن بھی ہیں جو آپ جس پر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ صحیح کام کر سکتے ہیں آپ. کتنا میں اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر میں ہوں,
کتنا میں اپنے دسترخوان سے جاتا دوسرے کے دسترخوان پر. عزیزانے اتنا ایسی ہوتا ہے جب کبھی کبھی ہمارے پاس 12 لاکھ آدمی ہر طرح کا آدمی آتا ہے, سوال آتا ہے, جواب آتا ہے. بعض اوقات انسان ایک وقت کے کھانے پہ جتنے پیسے خرچ کر دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ کم خرچہ کسی کے مہینے کا ہے عزیزان محترم, اور یہ حقیقت ہے. انسان توجہ نہیں کر رہا ہوتا ان چیزوں کے اوپر, لیکن کسی کے پورے گھر کا راشن آپ کا شاید ایک وقت کا باہر کا کسی نارمل سے ہوٹل کے اچھے سے ہوٹل پہ آپ کبھی کبھی کھانا کھا لیں, وہ کسی کے ایک مہینے کا راشن ہے پورا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نہیں کھائیں, ہم نہیں کریں, نہیں کریں, جو ہم خدا نے ہمیں توفیق دی ہے, جتنی بساط دی ہے ہم کریں, لیکن ہم اپنے مال سے انفاق بھی تو کریں دوسروں کے لیے. ماہ رمضان میں اگر میرے اندر یہ خصلت پیدا نہ ہو پائے کہ میں اپنے مال سے انفاق کروں, فقراء کی مدد کروں, اور مولا کائنات کے ایام میں شہادت ان کے آنے والے ہیں, وہ مولا کی جو خود رات کی تاریکی میں لوگوں کو کھانا تقسیم کیا کرتا تھا, کہ اس سے بلا تفریق کہ مذہب کیا تھا لوگوں کا, چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ مسلمان تھے, کوئی بھی تھے, امام ہے. ہم تو یہاں پر ہمیں تو وہ سامنے والا سلام کے بعد یالی مدد نہیں بولے تو ہم کہتے ہیں لے بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا, اور اگر آپ نے سلام کیا اور اس نے بولا یالی مدد تو کہتے ہیں نہیں نہیں وہ دوسرے والی پارٹی کو ان کے مسئلہ ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتا اس دانے محترم آج ہم کس دور کے اندر ہیں. بھائی سلام بھی کریں, یا علی مدد بھی بولیں, یا علی مدد بھی بولیں سلام بھی. ہمارے دوست ہیں اسماعیلی, ہم بہت عرصے جاب کرتے رہے ساتھ, ابھی بہت عرصے بعد ان کا میسج آیا, تو ان کا تو سلام ہی یا علی مدد ہے, تو میں کیا بولوں اس کو بھائی. اچھی بات ہے چلو کہیں تو یا علی کو یا پتا اسی یا علی کے چکر میں انسان بہتر ہو جائے, ہدایت پا جائے, یہ ہمارے بڑا مسئلہ ہے. بعض اوقات مہان صاحب اس کو بتائیں لوگوں کو, بھائی کیا بتائیں, بھائی بول یا علی مدد بولنے میں کیا پریشانی, بولنے میں. وہ کہتے ہیں آگے پھر کچھ اور بولتے ہیں, وہ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں, اس کا دین اس کے پاس رہنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے جانے اور کرو. کیا مولا نے اپنی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ ایسوں کے ساتھ, ہم تو پھر مومنین ہیں سارے, مومن آپس میں اتنے اختلاف رکھیں گے جانے محترم, تو ہم کس طرح اس معاشرے کو تشکیل دے پائیں گے کہ جس میں امام زمانہ نے آنا ہے. یعنی ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنے پر مشکل ہے. بعد مولانا بیچارے پریشان ہوتے ہیں کچھ پڑھ دیا پتہ نہیں یار کچھ لوگ سلام نہیں کریں گے, اور عجیب زندگی ہے یہ تو واقعی نا آج کے دور کے اندر. میں ایک ملک میں گیا وہاں شریف سا جوان, مجھے کہتا میں اپنے گاؤں دیہات میں تھا جب ہندوستان میں, تو آغا صاحب مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, ہم تو اسنا عشری شیعہ تھے صرف, ہم اپنے شیعہ پہ عمل کر. میں یہاں پر آیا تو دیکھو ہمارے شیعوں کے اندر بھی کتنے سارے لوگ ہیں, میں تو پریشان ہو گیا ہوں یہاں پر آ کر, کیوں ہے ایسا؟ ایک ہی امام حسین ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی سب کچھ ہے, ایک ہی عزاداری ہے, اس پہ بھی ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ ہیں. یہ مشکل دین کی نہیں ہے عزیزان محترم, یہ میری اپنی مشکل ہے, یہ میرا اپنا نفس ہے, وہ میری اپنی خواہشات ہیں, میں نے اپنے لیے ایک الگ چیز بنائی ہوئی ہے بس. دین یہ نہیں ہے عزیزان محترم, دین قربانی ہے, دین اثار ہے, دین اپنے وجود سے گزر جانے کا نام ہے. دین کربلا کیا تھا, کربلا کیا ہے, یعنی اپنے وجود سے گزر جاؤ تو پھر کربلا ہے. یہاں میں اپنی ذات میں اپنی نفس میں گھٹا رہوں بیٹھا رہوں, یہ کربلا تو نہیں ہے. اور ماہ رمضان آپ کو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جس تم محبت کرتے ہو اس کا انفاق کرو, محبت انسان, اور بعض روایت ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اب اگر بھائی آپ مومنین بھائی نہیں لیتے تو کم سے کم سگے بھائی کو تو لے لیں, کہ کیا میں اپنے سگے بھائی کو جو برن میرا والدین سے میرا بھائی ہے, کیا میں اس کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں؟ یا اپنے لیے تو اچھا کپڑا لیا چلو اس کے لیے تھوڑا سا ہلکا سا لے لو, تھوڑا سا یہ لے لو, ایسا ہے جانے کو. یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں جانے محترم, جب ہم ان روایتوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے اس معاشرے کی طرف بڑھوں جس کے لیے خدا نے مجھے خلق کیا. اپنے بچے کے لیے تو میں اچھے کپڑے دوں, اپنے بھتیجوں کے لیے, اپنے بھانجوں کے لیے, اپنی بھانجیوں کے لیے, وہ یہاں پھر دوسری بھی آ جاتی ہے تو مسائل بھی تو معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں. بھائی کے بچوں کے لیے تو بھائی بولیں گے خوب, ہماری بہن کے بچوں کے لیے بھی تو کپڑے لے, یہ بھی ایک مسائل ہے, یہ بھی اسی معاشرے کے مسائل ہیں. بہرحال اب کرنا تو پڑتا ہی, کیا کریں,
बैलेंस तो आपको देखें करना है, लेकिन पूरी कोशिश करें जाने मोहतरम अपनी ज़िंदगी में लोगों को राज़ी रखें, राज़ी रखें जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर दुनिया में ऐसे रहेंगे ना तो आपके जाने के बाद आप मौलाए कायनात की उस हदीस का मिस्ताक बन सकते हैं कि जब तुम दुनिया में ज़िंदा रहो तो लोग तुमसे मोहब्बत करें, और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो लोग तुम पे गिरिया करें। ऐसा रहूँ ना मैं ज़िंदगी में कि मेरे जाने के बाद लोग गिरिया करें, बोले हाँ अच्छा आदमी था। ऐसे रहें ज़िंदगी में, कुछ कमी नहीं आती अज़ीज़ाने मोहतरम। माल कम नहीं होता देते वक्त, माल बढ़ता है हमेशा देते वक्त। जितना आप दबा के रखेंगे वो कम होता रहेगा। और वैसे भी अगर अल्लाह की खातिर आप ये काम कर रहे हैं तो हदीस भी है कि जो तुमने अल्लाह की राह में या अल्लाह की खातिर दिया वही बाकी रह जाएगा, और जो तुम्हारे अपने पास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस मोहब्बतों को फैलाएं। आयतुल्लाह मुश्तैदी तहरानी की आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफा फरमा। वो अपने शागिर्दों को कहते थे कि तालिबे सारे थे तहरान में, बहुत बड़े आरिफ थे, वो ही कहते थे कि तुम्हारी जौजा कहेगी कि भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये लेना है, वो लेना है, तो कह रहे कभी मना नहीं करना। वो फारसी में कहते हैं, कहते थे कि फारसी में कहते थे जब भी कुछ कहे तो बोलो चश्म चश्म, यानी ज़रूर मैं करूँगा करूँगा। कहते करना वही जो तुम कर सको, लेकिन ना नहीं बोलना कभी। कह रहे ज़िंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी गुजरेगी। तो फॉर्मूला है, कभी इंसान इनकार ना करे, बेसात अपनी देखे, बोले हाँ जाएंगे, हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, पर्दे चेंज कराएंगे, हाँ बिल्कुल करवा लेंगे, फर्नीचर हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा, चेहरे झूठ भी नहीं बोल रहे, खुदा तौफीक दे हो भी जाएगा, लेकिन आप ना ना करें। बाज़ औक़ात हम एकदम रिएक्ट कर देते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है। ज़हन माहौल अच्छा रखें, घर का माहौल अच्छा रहेगा, ज़िंदगी सुकून में है, ये याद रखें। यही वो जगह है कि जिसको हमने मैनेज करना है, इम्तिहान ये इंसान का मैनेज करना है। वो आपने मौलाना रूमी ने मसनवी के अंदर शायद पहले मैंने वाकया बयान किया हो कि बहरहाल वाइस वर्सा है, खवातीन ये ना समझें कि हम मर्दों की साइड ले रहे हैं या खवातीन, ऐसा नहीं, वाइस वर्सा है दोनों के लिए। उन्होंने मसनवी में बयान किया, एक शख्स था जो गाँव देहात में रहता था, तो उसके बड़े मसाइल थे, सवालात थे ज़िंदगी के, रूह के, इबादात के, खेतों के। तो उसने कहा, सुना हुआ था कि फलाने गांव में एक शेख साहब रहते हैं, मैं उनके पास जाऊँ। तो इसकी फसल असल कटी कर गया शेख साहब के दरवाजे पर, तक कुलबाब किया तो अंदर से खातून आई, कहा कि जी शेख साहब हैं। कहा कौन शेख? कोई शेख वेख नहीं है यहाँ पे, आ जाते हैं शेख साहब से। वो बेचारा बड़ा अफसरदा, वो पता नहीं बोला गलत घर चला गया क्या हो गया। खैर वहाँ गया तंदूर वाले के पास, तो उससे पूछा भाई शेख साहब हैं? कहने लगा हाँ शेख साहब बिल्कुल। शेख साहब जंगल गए हैं लकड़ियाँ काटने, लकड़ियाँ काटते हैं मेरे तंदूर में मुझे देते हैं, मेरा तंदूर चलता है, उनका गुजारा होता है। मतलब भाई यहाँ इस तरफ वो चला गया, वो जंगल की तरफ जाने लगा तो जंगल घना था, उसे थोड़ा सा डर हुआ कि कहीं जंगल में कुछ ना हो, पलटने लगा तो देखा कि एक बहुत बहुत नाजुक सा, बहुत ज़हीर सा कोई शख्स जो है वो आ रहा है, वो आ रहा है। तो देखा उसके बराबर में जंगल का शेर भी आ रहा है और उसकी पीठ के ऊपर लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। अब ये घबरा गया, बहरहाल इसने डरते डरते पूछा आप शेख साहब को जानते हैं? कहा मैं ही शेख साहब हूँ। तो कहता मुझे आपसे काम थे। तो कहा कहो बैठ जाओ। कहता मगर ये इसने ना शेर की तरह कहा कुछ नहीं कहेगा, ये भी बैठ गए, शेर भी बैठ गया आराम से। अब इसने अपने सवालात शुरू किए, खेतों के, इबादात के, रूह के, सब मसाइल किए। शेख साहब ने बेहतरीन जवाब। तो जब उठने लगा तो कहने लगा शेख साहब जितना मैंने आपके बारे में सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बुलंद आपको पाया, मगर मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं आपके घर गया, जो आपके घर में काम करने वाली खातून है वो आपको बड़ा बुरा भला कह रही थी। तो शेख साहब ने कहा कि भाई ज़बान संभाल कर बात करें, वो हमारे घर में काम करने वाली नहीं है, वो हमारी ज़ौजा है। उनके उन जुमलों पर हम तहम्मुल करते हैं तो ये जंगल का शेर घुटने टेक के बैठा हुआ है हमारे। तो ये इज़्ज़ाने मोहतरम ये दोनों के लिए है। ये आप खुश ना हो कि मतलब आप ये वो भी बर्दाश्त कर रही है हमें, ये तो उस खातून से पूछे जो हम जैसे को बर्दाश्त कर रही है। यकीनन थोड़ा हिम्मत चाहिए। आप तो फिर बाहर निकल के थोड़ा सा सांस वांस ले लेते हैं, वो तो बेचारी घर में बच्चे किचन और ये वो हमें भी तहम्मुल कर रही है।
तो ये है कि ये कमाल पर पहुंचाना अजान मोहतरम ऐसी है, इंसान अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा तब्दील करे, डिफ्यूज करे। माह रमजान है, इतनी जो बीमारियां हैं, हमारे उस्ताद रफी कह रहे थे कि बहुत सारी रूह की बीमारियां कुरान की तिलावत से दूर हो जाती है। कुरान कह भी रहा है, बहुत सी आयात में कह रहा है कि शिफा है तुम्हारे सीने के अंदर की चीजों की, शिफा है कुरान। लेकिन मैं कितनी हसद, कीना, बुख्स, हर चीज की वो कह रहे हैं बीमारी, हत्ता सर में दर्द है, फलानी आयत पढ़े सर पे हाथ रख के, फलानी जगह दर्द है। आप किताबों में देखिए जो आइम्मा से रिवायात आई हुई है, हर सूरत के लिए रिस्क में इजाफा चाहते हैं, सूरह वाकिया की रात को तिलावत क्या करें? आयतुल्लाह उसमें बहजत रिजवानुल्लाह ताला ने कि आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। आयतुल्लाह उसमें बहजत ने ये एक जो है वो वजीफा दिया कि जो इस्लामी महीना पीर से मंडे से शुरू हो, यानी पहली तारीख मंडे को हो दिन, तो सूरह वाकिया का अमल उन्होंने बताया जो रिस्क के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। यानी रिस्क और भी कोई मुश्किल काम हो तो उसके लिए अमल क्या है कि पहली मंडे को अगर पहली तारीख है, मसलन पहली शवाल है, पहली रजब है, जो भी है, तो आप सूरह वाकिया शुरू करेंगे, दिन बढ़ते जाएं, सूरह वाकिया बढ़ाते जाएं, दूसरी को दो दफा, तीसरी को तीन दफा, चौथी को चार दफा, यहां तक कि 14 तारीख आ जाए महीने की और 14 दफा पढ़ें 14 के सदके में, पहली से लेकर 14 तक रोज बढ़ाते रहें। वो कहते हैं ये अमल करें इंशाल्लाह, और बंदे अकीर ने उसको कई दफा जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, और यकीन करें कि खुदा गैब से दरवाजों को खोलता है और अथा करता है। हम बिलीव तो करें, और वैसे भी अगर सूरह वाकिया रोज रात को पढ़े रिस्क बरकत के लिए है। इस तरह बहुत सारी सूरतें हैं सुबह से पढ़े, जितनी इंसान तवान रखता है पढ़ना चाहिए। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो मैं कहता हूँ मेरे मसाइल हल नहीं हो रहे, मेरी मुश्किलात, मैं कितना कुरान की तरफ रुजू करता हूँ। कुरान की सिर्फ तिलावत इंसान को तब्दील कर देती है, दिल तब्दील कर देती है। हमारे उस्ताद ने वाकया एक कोट किया एक जैपनीज का, जैपनीज था चाइना में, उसकी दोस्ती हो गई किसी इंजीनियर से, मुसलमान इंजीनियर था उससे दोस्ती। तो वो कहता कि मैंने तहकीक किया, रिसर्च कर मैं मुसलमान हुआ, वो जैपनीज कहता है। तो उसने अपने दोस्त को कहा कि मेरी दो बेटियां हैं तो मेरे घर कभी आओ, वो मुसलमान नहीं होती हैं, वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो मैं उनको बहुत समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां भी मुसलमान हों। तो वो गया उनके घर पे, उससे गुफ्तगू हुई, तो उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा। तो बच्चियों ने सवाल किया कि खातून की निगाह, यानी खातून के लिए इस्लाम क्या बयान करता है, एक वुमन के लिए इस्लाम में क्या जगह। तो कहते मैं समझ गया कि ये वो जो दुनिया में शुभात और इश्कालात के इस्लाम जो है वो खातून को नीचे रखता है, इस्लाम जो है खातून को दर्जा नहीं देता, ये सब उनके जहनों के अंदर है। तो कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, कहते मैंने कुरान की जो सूरह एहज़ाब की आयत थी उसको उन्हें दिया पढ़ने को और कहा कि ये पढ़े। सूरह एहज़ाब की आयत जो है वो आयत नंबर 35 कह रहे मैंने उन्हें दी। वो आयत क्या है, उस आयत में तकरीबन 10 जो है वो सिफात बयान की गई है मर्दों की और उसी के बराबर में औरतों की, तो बैलेंस दिया गया है। आयत क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात वल कानतीना वल कानतात वस्सादिकीना वस्सादिकात वस्साबरीना वस्साबरात वल खाशईना वल खाशआत वल मुतसद्दिकीना वल मुतसद्दिकात वस्साबिमीना वस्साबिमात वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। 10 خصوصیات بیان کی، اور خصوصیات کیا ہیں عزیزان محترم، میں ترجمہ جلدی سے آپ کی نظر میں، کہ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یہ پہلے اس کا پس منظر، پھر یہ جو آیت ہے، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرمان بردار مرد فرمان بردار عورتیں، اور راست باز یعنی سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد
सबर करने वाली औरतें, खाशईन फरूतन यानी चुकने वाले खाने मर्द खाने औरतें, खैरात करने वाले मर्द खैरात करने वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले मर्द रोज़ा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, और कसरत खुदा से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि इनके लिए खुदा ने बख्शिश और अजर अजीम अदा कर रखा है। कहते ये जब मैंने उन्हें दिया, दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया और वो बच्चियां मुसलमान हो गई। एक कुरान की आयत से, एक हम कितना कुरान पढ़ते हैं और कितना कुरान पे तदब्बुर किया। वही जो उनके जहन में शुबा था कि इस्लाम में खातून की औरत का मकाम क्या है, एक आयत औरत के मकाम को बता रही है, जहां मर्द है वही औरत है। वो यकीनन अब इस्लाम में जो मर्द के तकाजे हैं उसकी चीजें, क्योंकि मर्द बहरहाल बाहर है, मर्द के 100 ऐसे काम है जो खातून नहीं कर सकती, उसका दिया अलग है, उसका वारिस, वो एक अलग है, क्योंकि उसमें मर्द एक फैमिली के ऊपर एक मैनेजर की जगह रखता है, वो उसके काम। लेकिन बाकी जगहों पर कहीं पर भी खातून को इस्लाम कम नहीं दिखा रहा। एक आयत पे तदब्बुर, वो फुज़ैल का वाकया, वो जो शख्स था जो अपने ज़माने में चोरियाँ और डाके और मतलब था, वो जब एक घर में कूद के जा रहा था रात को, तो बराबर वाले घर में कुरान की आयतों की तिलावत हो रही थी। वो आयत के क्या वो वक्त नहीं आ गया कि लोग अपने दिलों से खुदा का खौफ, वो एक आयत सुनी उसने रुक गया, कह रहा हाँ वो वक्त आ गया। एक आयत, एक आयत कुरान की, एक जुमला मासूम का जिंदगियां बदल सकता है। सर मुशर हाफी इमाम मूसा काजिम के दौर के अंदर, इमाम मूसा काजिम गली से गुजर रहे तो देखा कि कनीज बाहर आई और अंदर मुशर हाफी जो था वो गाने और इस तरह की चीजें और महफिल और मुतरब जो है वो मजालिस करना ये वो, मौला गुजर रहे थे तो कनीज बाहर कचरा रखने आई तो मौला ने पूछा किसका घर है, बंदे का घर है कि गुलाम का घर है, आजाद का घर है, गुलाम बंदे का घर है या आजाद का घर है, कहा कि आजाद का घर है, कहा कि अगर बंदा होता तो ऐसा घर ना होता। ये कहा चले, जब वो वापस गई तो पूछा करीब से कि देर क्यों हुई, कहा वो इमाम गुजर रहे थे तो क्या कहा, कहा इमाम ने कहा कि आजाद का घर है कि बंदे का घर है, कहा तुमने कहा आजाद का घर है, तो कहा इमाम ने फरमाया कि अगर बंदे का घर होता तो ऐसा ना, उसी वक्त भागा है। तारीख में लिखते हैं कि जूतियां भी नहीं पहनी, इसलिए उसको कहा जाता था मुशर हाफ, जूतियां भी नहीं पहनी, दौड़ता हुआ इमाम के पास गया है तौबा की, और फिर इतना बड़ा आरिफ बन गया कि बाज़ उलमा बयान करते हैं कि नंगे पांव चला करता था और जहां से भी गुजरता था रास्ते पे अगर कोई जानवर भी होता था तो रास्ता खराब नहीं करता था, क्योंकि उसी हालत में उसने तौबा की थी। एक जुमला मासूम का जिंदगी बदल सकता, एक जुमला था इमाम का जिसने एक शख्स को बदल दिया। जब करबला का कारवान रोका है हुर ने, तो इमाम ने क्या कहा कि तेरी माँ तेरी अजाम में बैठे। ये उस जमाने में झोला राइज होता था कि अगर कोई ऐसा काम करे तो ये बोला, मगर उसने उस एक नाम का एहतराम किया, कहा कि मैं आपकी वालदा के बारे में जुमला नहीं कह सकता, बस एक जुमले। इमाम जानते थे कि कहां से उसको वजूद को लरजाना है, कौन सी चीज ऐसी है कि कहूं ये वहां से क्या कहेगा जो इसकी बख्शिश कर सकता, इमाम जानते थे। यही वजह थी कि हुर जब शबे आशूरा अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान में देख रहा, तो इस शख्स ने कहा कि क्या परेशानी है, कहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कहा अगर मुझसे कूफा में कोई पूछता कि कोई शुजात तरीन शख्स कौन है तो हुर हम तुम्हारा नाम देते थे, तुम्हें क्या हो गया आज। हमारे उस्ताद कहते हैं
आगा शाबान दादाशी कि इंसान का उस्ताद कितना मुहिम है उसकी ज़िंदगी पर। हज़रत उमर का वाक़िया उन्होंने बयान किया, कहा उसका उस्ताद कितना मुहिम होता है। कहा उस वक्त हुर को अपने उस्ताद की बात याद आई। उस्ताद कौन था? जो वहाँ पर कुरान की तफसीर और नहज बलागा की तफसीर दिया करता था, वो उसका उस्ताद ने कहा था कि ज़िंदगी में कभी फंस जाओ और फैसला ना कर पाओ तो ये देखना कि किस तरफ तुम्हें दुनिया का फ़ायदा है और किस तरफ तुम्हें आखरत का फ़ायदा है। तो वहाँ हुर ने क्या कहा कि इधर आऊँगा दुनिया का तो फ़ायदा है, माल है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, और इसके मुकाबले में क्या है? कुछ नहीं। तो कहा उसी तरफ जाऊंगा और छोड़ गया और को बदल दिया सारे मात्रा एक नाम ने, एक कलाम ने। और आया मौला के पास, शर्मिंदगी से आया, बस में आंखों में पट्टी बांध के हाथों को शर्मिंदा है, जाहिर है जिन हाथों से इमाम के कारवान को रोका हो उसे थोड़ी पता था कि ये क्या होने वाला है। उसे ये नहीं पता था कि ये दुश्मन इस कदर प्यासे हैं आले रसूल के, पानी बंद कर दिया, माह रमजान है। आप उस्ताद फातमी ने कहते हैं कि सलाम हो हम पर कि खुदा ने हमें हुसैन का मानने वाला करार दिया है कि हम रोजे की हालत में भी तशनगी इमाम हुसैन को याद करते हैं। कहाँ कौन याद करता है हुसैन के तशना दहान को, कौन याद करता है उस प्यासे बच्चों को? कितना करम है हमारे ऊपर के जब हमारे बच्चे भी वालिदात कहते हैं बच्चा भी हमारा बुलंद हो जाए अगर हम उसकी सही तरबियत करें वाकई, तो रात को भी पानी मांगे तो कहता है सलाम पर हुसैन, सलाम हो इमाम हुसैन पर, कहता है ये खुदा का करम है हमारे ऊपर के हम इस घराने में। हजरत हुर चले गए, जाने मोहतरम इजाज़त ली। हजरत हुर ने अपने हिसाब से जो जंग लड़ सकते थे लड़े, गिर गए, शहीद हो गए। आखिरी वक्त आया तो देखा कि मौला सरहाने पर पहुंच गए हैं। क्या वहाँ इमाम ने क्या कहा था? तुम्हारी माँ तुम्हारी अज़ा में बैठी। यहाँ इमाम के क्या जुमले हैं? अल्लाह अकबर। कहा हुर वाकई तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर सही रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी तुम्हारी माँ ने तुम्हें आज़ाद, तुम आज़ाद हो, तुमने अपने आप को आज़ाद किया, हुर ने आज़ाद किया अपने आप को। अज़ीज़ाने मोहतरम दुश्मन के नफ्स से शोहरत से आज़ाद किया। अज़ीज़ाने मोहतरम मगर अजीब है यही करबला है, माहे रमजान है ना, पानी की शिद्दत से मेरे पास जहन में आ गए। उस्ताद फातमी नया बयान करते हैं तेहरान में आलम दीन तो उनका बच्चा था, छोटा सा बच्चा था 6 माह का, कहता रात को गिरिया शुरू कर दिया उसने, गिरिया करता रहा। कहा हमने देखा परेशानी है, काफ़ी देर आ देखा बच्चा चुप नहीं कर रहा। कहा उसका लिबास चेक किया कोई कीड़ा कोई हशरात ना हो, देखा सब किया, कहता बच्चा फिर भी चुप नहीं कर रहा। कहता इतना गिरिया 6 माह का बच्चा, बता तो सकता नहीं है कि उसको मुश्किल क्या का, गिरिया करता रहा। कह रहा आखिर में हमें आके कि हम इसको हॉस्पिटल ले जाएं कहीं। जैसे लेकर जाने लगे तो मेज पर पानी का गिलास रखा हुआ था, देखा बच्चा खुद ब खुद पानी के गिलास की तरफ झुक रहा है। 6 माह का बच्चा उस्ताद फातमी ने कहते हैं कि वो बयान नहीं कर सकता था कि उसे प्यास कितनी लगी है, वो बोल नहीं सकता था। आज़ादारन मोहतरम न जाने किस तरह उस 6 माह के बच्चे को मौला ने हाथ में उठाया होगा। ये 6 माह का बच्चा हमारे लिए बच्चा है आज़ीज़ाने मोहतरम, मगर खुदा के आयले बहस सबके मकाम बुलंद है, ये बाबुल हवाइज बच्चा है। इसी बच्चे से हम आज कहते हैं कि हम शियों की हालतों पर रहम करिए, हमारी हाजतों को दूर करिए, जो मुश्किल में है मौला गाजी मौला अली असगर हमारी परेशानियों को दूर करे। किस तरह मौला ने अपने वजूद से उस 6 माह के बच्चे को जुदा किया और उस करबला की गर्म खाक के ऊपर उस 6 माह के बच्चे को रखा। कितने अजीब मेहमान नवाज थे ये कुफा वाले कि जो भी आता है बंदा पानी तो पिलाता है, मगर इन्होंने उस बच्चे को भी पानी ना दिया। बाज रिवायात के जुमले हैं जैसे मछली पानी से बाहर आती है तो एक तड़पना शुरू कर देती है, उसकी एक अजीब हालत होती है। अली असगर भी करबला के रेगिस्तान पर इस तरह तड़पता रहा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسجد للذين سلموا
ایام انقلب ینقلب پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں پروردگار ان کے اپنے خزانوں سے قرضوں کو دور فرما، جو قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. پروردگار جو بھی لوگ اس ماہ محرم کے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کی اور ہماری اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما. جہاں بھی شیعان حیدر قرار مجلس ماتم ازاداری کر رہے ہیں پروردگار، ان کی ان جگہوں کی عبادات میں جگہوں پر مجالس کی پروردگار جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو لوگ بے اولاد ہیں پروردگار انہیں حضرت علی اظہر کے صدقے میں اولاد صالحہ عطا فرما. ایک درخواست کی گئی، ایک بچی سیدہ عریقہ زہرا مریض ہے پروردگار، حضرت سکینہ کے صدقے میں اسے شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارۃ الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بھیج دے محمد و علی محمد.